एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं चिकन ग्रेवी की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इधर देखिए, मैंने 1 केजी के करीब चिकन को अच्छे से धुल कर ले ली हूँ। इधर चढ़ा रही हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड की हूँ मस्टर्ड ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। अब मैं इसी के साथ इसमें डाल दूंगी 2 तेज पत्ता। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसी में डालूंगी जीरा 1 टेबल स्पून के करीब। ऐड कर रही हूँ इसमें जीरा एंड कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी। अब सभी को 2 से 3 बार अच्छे तरीके से चला लेंगे। अब इसमें ऐड कर दूंगी ग्रीन चिली, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके ली हूँ। इसी के साथ इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। इसे हल्का लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई करूंगी। अच्छे तरीके से चलाते हुए इसमें ऐड कर रही हूँ कूटा हुआ लहसुन अदरक। इससे हमारे चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं मसालों के साथ भी थोड़ा सा पीस के डाली हूँ, बट ऐसे भी कूट के डालना चाहिए, जिससे कि चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड कर रही हूँ धुला हुआ चिकन। इसे 3 से 4 बार अच्छे तरीके से मिलाते हुए चला लेंगे, जिससे हमारे चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए प्याज के साथ। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले, जिसको मैं पीस के लिए जिसमें डाली हूँ मैं अदरक, लहसुन, जीरा एंड कुछ खड़े मसालों को इसमें डाल के ली थी, उसे पीस के। इसी के साथ इसमें ऐड करूँ 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब नमक, 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर एंड 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर। अब सभी को अच्छे तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा 5 से 7 मिनट में अच्छे तरीके से चिकन बन के हो जाता है रेडी। अब इसे मैं कवर करके छोड़ दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए, 3 से 4 मिनट हो गया कंप्लीट और हमारा चिकन भी फ्राई हो गया अच्छे तरीके से। फिर से मैं थोड़ा सा ढक के छोड़ दी थी, इसे फिर से अच्छे तरीके से चला लेंगे। अब इसमें ऐड कर दूंगी पानी, क्योंकि मैं चिकन ग्रेवी बना रही हूँ, ग्रेवी वाली चिकन बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा पानी मैं डाली हूँ। तो अब देख सकते हो फ्रेंड, इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए और चढ़े हुए छोड़ दूंगी। तो देखिए, फाइनली हमारा चिकन ग्रेवी बन के हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दूंगी, जिससे कि चिकन का टेस्ट और भी अच्छा आए। ऐसे अच्छे तरीके से मिला दूंगी। तो देखिए, हमारा चिकन ग्रेवी बन के हो गया रेडी। इसे आप चावल, रोटी किसी के साथ खाइए और इंजॉय।